उसी प्रकार से शांति बनाए रखे और जिगड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। कहते हैं ना कि भीख है शांति की, समर के दो, घूंट पीने दो, और ये जिंदगी है चार दिन की, बाबा जियो और जीने दो। तो सजना, किसी कवि ने कलम को उठाया और एक दोहे के माध्यम से आपके लिए एक तोहफा भेजा है। भैया जी एक प्यारा सा पैगाम भेजा है और भैया गुड्डू जवाब दिया है दोहे के माध्यम से। चलती चाखी देख के और बाबा गयो कबीरा रोए, और इन दो पाटन के बीच में और भैया साबुत बचाना को। सजना, एक समय की बात कि वह दुष्ट रावण माता जानकी का हरण करके ले आता है। आज इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला, कहने लगी महाराज आपने अच्छा नहीं किया, जैसे सीता माता को इस लंका में लाए वैसे इन्हें वापस कर दो। और कवि ने जवाब दिया, भैया गुड्डू क्या दिया है, कहा अरे मत कर कहा, क्या
उधर कुह में कहेगी तेरे कुनवाएले बैठेगी और कहा मेरी मान कहीं भरता, कहा मेरी मान कहीं भरता न तेरी सीताएं अब होने की लुट जाएगी लंका सोने की। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच जी दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं, नाम याद नहीं रहे हो जी। और कहा क्या ओ मेरी मान कही भर तार न तेरी सीता है अब होने की लुट जाएगी लंका साने क्या दे। हाँ जी, वो 100 रुपए का पुरस्कार दुर्गेश भैया जी सरपंच उम्मीदवार दे रहे हैं हम उनके लिए, सरपंच जी हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। सजनों अब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कहां पर, जहां पर मैं आपके समक्ष अपना प्रसंग छोड़ के गई थी। बाबा साहब कहानी ने मोड़ लिया और राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी शमशान घाट में लग जाती है। बाबा साहब आज मुनि विश्वामित्र ने एक करिश्मा किया, एक रचना को रच डाला और काशी नगरी में जाकर आवाज लगा देते हैं। अर्थ में जवाब दिया कि विश्वामित्र काशी में जाके, कि विश्वामित्र काशी में जाके और आवाज लगा रहे भारी है और हरियाणा कर कालू को हमारे घट में पहरे कि गंगधार में बह के डूबियो, क्या गंगधार में बह के डूबियो और जहां बहे गजब का पानी और बिल खाए गई तारा। आज इतनी बात को इतनी बचना को रानी तारामती ने सुना, आज रोकर के विलाप कर रही है भैया गुड्डू जवाब दिया है कभी ने जड़ के माध्यम से कहा। और सुने मुनि के और बैन छलक रहे और नैन फटी जाए छाती और बिगड़ी को ना कोई मोल दिखे ना कोई संगी साथी। लेकिन कहा भैया ये तीन लोक के नाथ में जो रू हो, कहा क्या ये तीन लोक के नाथ में जो रू हो और हाथ सुनो मेरी अर्जी। कहने लगी इस परमपिता परमेश्वर से ये तीन लोक के नाथ में जो रू हाथ सुनो मेरी अर्जी। दे एक दिना बताहे करे दो कब तक मन की मर्जी। लेकिन भैया आपके समक्ष बड़े ही सुंदर सुंदर कलाकार आए हुए हैं और बड़े ही सुंदर सुंदर बातें बताते आपके समक्ष जा रहे हैं, लेकिन जवाब दे भैया गुड्डू क्या कहा। एक समय ऐसा इस समय का चक्र एक समय ऐसा की दौलत में हाथ रहे एक समय ऐसा की पास नहीं ढेला है। बाबा साहब एक सच्चाई बता दूं, जब जेब में 60-70 रुपया होए तो ठेके पे बैठो पावेगो और रुपया खत्म है जाए जेब में ते मान लियो बीड़ी का ठूकन ने बीड़ तो पावे हुई मान। लेकिन भैया गुड्डू जवाब दिया है क्या। और एक समय ऐसा भी दौलत में हाथ रहे एक समय
होने को बिस्तर लगे जीवन की सच्चाई। अगर कहूँ रिश्तेदारी में चले जाओ और सोए को कहूँ गद्दा मिल जाए तो उन गद्दन पे कम से कम दो चार बार तो बेबाप की करवट बदल जाएगा बाबा साहब। और घर में तो कोई झटको लाए सोए को, लेकिन कहा भैया गुट्टू क्या एक समय ऐसा थी, एक समय ऐसा थी, सोने को बिस्तर लगे एक समय ऐसा की टूटा सामा चाहे। और कहा क्या एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात। और इसी बीच ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार वीर सिंह सरपंच दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान भैया जी देते हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन भैया गुट्टू जवाब दिया है क्या एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात, एक समय ऐसा की कहो स्वाद कैसा है, एक समय ऐसा की, एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात, एक समय ऐसा की कहो स्वाद कैसा है। कहे शिव राम भैया आ रही हूँ भैया तुम्हें इकट्ठे कर लो खूब रेज के। और कहा क्या कहे शिव राम भैया भज ले तू सीता राम, कहे शिव राम भैया भज ले तू सीता राम। या कोड़चा निकाले बड़ा बड़ा दूध घबेचो हुए वो तो मने घर में। लेकिन कहा भैया कहे शिव राम भैया भज ले तू सीता राम, आज दिन कैसा तो कल दिन कैसा याद। और आज दिन सजनों विचार करेंगे आज रानी तारावती ने इतनी बात को सुना कि मेरे पति मेरे भगवान इस दुनिया में नहीं रहे। आज रो करके विलाप करने लगी, कहने लगी स्वामी ये कैसी विडंबना है उस ईश्वर की कि दो आंसू अपने आंखों की। लेकिन भैया कवि ने कलम को उठाया चौक के माध्यम से जवाब दिया भैया गुड्डू क्या दिया है कर दिया जो मेरे सामने ये दिल ला कर
पैर खड़े कर दिए। आज जवाब दे रही भैया गुड्डू क्या? कहा हाय विधाता क्या किया और मोआ बुला के संग और चारे में लूट लई हारी जीवन की जंग। कहने लगी प्रभु से प्रभु ए विधाता ये कैसा किया है कहा ए विधाता ये कैसा किया और मेरा सब कुछ छीना है। कुछ छीना है लेकिन ना मरूंगी ना जिंदी रहूं है। कहने लगी प्रभु ना मरूंगी ना जिंदी रहूं होगा घुट घुट के जीना है। ए विधाता ये कैसा किया। कहने लगी प्रभु से प्रभु मैं हूँ। कहने लगी जवाब देने लगी आज हूँ भागन में सबसे बड़ी। आज रो रही है विलाप कर रही कह रही प्रभु हूँ भागन में सबसे बड़ी और मेरी किस्मत फूटी है। क्या जवाब देने लगी प्रभु से क्या हुआ भागन में सबसे बड़ी और मेरी किस्मत फूटी है। क्या और धीरे दिल में मैं कैसे धरूं और मेरी जागीर लूटी है। और कहने लगी और इसी बीच यही इक्यावन रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी भूरी भूरा अंकल जी दे रहे हैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और कहने लगे क्या ओ धीर दिल में मैं कैसे धरूं धीर दिल में ये कैसे धरूं ओ मेरा खोया नगीना है ना मरूंगी ना जिंदी। लेकिन भैया आज जवाब दे रही सौरभ कटारा की पत्नी ओ सोलह सिंगार मैंने किए ओ सोलह दिन में ही पूरे हुए। ऐसा क्यों कहा क्योंकि 8 दिसंबर को सौरभ कटारा की शादी हुई थी और 23 दिसंबर को सौरभ कटारा इस देश के लिए शहीद हो गए। आज रो करके कहने लगी स्वामी ओ सोलह सिंगार मैंने किए ओ सोलह दिन में ही पूरे हुए। क्यों ख्वाब दिल में जो मेरे सजे कहा क्या ख्वाब दिल में जो मेरे सजे वो सारे अधूरे हुए। लेकिन भैया कहने लगी आज क्या वो जन्म दिन मरण दिन बना है। कहने लगी स्वामी वो जन्म दिन मरण दिन बना और नहीं उपहार लीना है ना मरूंगी ना जिंदी रहूं। लेकिन सजना आज रोकर के कहने
और कहा भैया बड़े सुंदर जवाब, ओ मैं पूनम से मावस बनी। ऐसा क्यों कहा बाबा साहब? क्योंकि सौरभ कटारा की पत्नी का नाम पूनम, और जिस दिन सौरभ कटारा की मृत्यु हुई उस दिन मावस थी, अंधारी रात बन गई उसकी जिंदगी, और जवाब देने लगी क्या, ओ मैं पूनम से मावस बनी, ओ मैं पूनम से मावस बनी, ओ गम जीवन का पीना है, ना मरूंगी ना जिंदी रहूं, होगा घुट घुट के जीना है। लेकिन सजनों समय को देखते हुए लास्ट बात, और लास्ट बात कौन सी बाबा साहब, जवाब दिया है क्या, ओ आठ को मेरी शादी हुई, कंधरे को वो टूटी गए। सौरभ कटारा की शादी 8 तारीख को हुई थी और 15 दिसंबर को वो ड्यूटी चले गए बाबा साहब, और जवाब दे रही है रो करके क्या, हो आठ को मेरी शादी हुई, ओ 15 को वो टूटी गए, लेकिन बैरिन 23 ऐसी भई, ओ प्राण प्रीतम के लूटे गए। कहा क्या, बैरिन 23 ऐसी भई, ओ प्राण प्रीतम के लूटे गए, ओ विधाता बता दे मुझे, हो मुझे, कहने लगी उस प्रभु से ही स्वर, ओ विधाता बता दे मुझे, विपता जाती सही ना है, ना मरूंगी ना जिंदी रहूं, होगा घुट घुट के जीना है, ए विधाता ये कैसा किया, ए विधाता ये कैसा किया, मेरा सब कुछ छीना है, ना मरूंगी ना जिंदी रहूं, होगा घुट घुट के जीना।